आज के दिन 6 जुलाई को टिबेटन्स पूरे विश्व में हिज होलीनेस दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और इस सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनने के लिए हम लोग आए हैं देहरादून के डेकलिंग टिबेटन सेटलमेंट कॉलोनी में। आइए चलते हैं और देखते हैं किस उत्साह के साथ हिज होलीनेस दलाई लामा का बर्थडे मनाया जाता है। Happy birthday, His Holiness Dalai Lama. ये टिबेटन स्वीट राइस है और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं। माइल्डली स्वीट, और इसको टिबेटन भाषा में ड्रेजिल बोलते हैं। साथ में है टिबेटन सॉल्टी बटर टी, जिसको पोचा बोला जाता है। पोचा तो हिज होलीनेस दलाई लामा जी का बर्थडे है, तो केक कटिंग हुआ है। जी, ये रेड वेलवेट केक है। ये क्या बोलते हैं इसको? सातू बोलते हैं। सातू, सातू हम तिब्बती को नाम में सांपा बोलते हैं। सांपा, सांपा जी। ये जौ से बनता है? हाँ जी, जौ से बनता है। दबा के इसको ऐसे दबा के ऐसा इसे पुश करके इसको दबा के इसको पुश करके इसको दबा के पुश करके दबा के फिर लास्ट में से फिर इसको अच्छे तरह लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो खुल जाएगा। आप बनाएगा? ट्राई करते हैं। ऐसा रखिए। इस मिक्सचर में क्या क्या है? मिक्सचर में है पनीर, सोया चंक्स, सोया, अरे धनिया, प्याज, बटर, चीज,
ये हो गया ना, अब ये दो ऐसा पुश करो, हो गया। अब इससे ऐसा दबाओ, ऐसा ऐसा घुमाते जाओ, जितना जोर से करेगा ना उतना चिपक जाएगा ना, फिर बाहर नहीं आएगा। हाँ हो जाएगा, ओके आप ठीक कर दिए। मैंने ठीक कर ऐसा मैंने, मेरे को याद आ रहा है वहाँ पे खाया था दार्जिलिंग में, टाइफो 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 टाइप का टाइफो टाइप का है ना, वो बिग साइज डम्पलिंग को बोलते हैं। हाँ जी, लेकिन इसको आप लोग लोकली क्या बोलते हैं यहाँ पे? पाउचे, पाउचे टाइफो भी बोलते हैं, पाउचे पाउचे पाउचे। पाउचे पाउचे एक करेला डाय है। करेला करेला है इसमें क्या लगाया है? बेसिन और अरारोट और रेड कलर फूड कलर एज अ स्नैक। हाँ स्नैक डे क्या? तो इसमें क्या क्या है? तो बीन्स दिख रहा है। हाँ जी, इसमें बीन्स है, मशरूम है, पनीर है और पनीर डालेगा और फिंग भी डालेगा। इसको किसके साथ खाते हैं? ये टिंगमो और चावल के साथ। टिंगमो और चावल? हाँ जी। ये शेफ काम कर रहे हैं? हाँ जी, ये दोबारा फ्राई हो रहा है, डीप फ्राई करेला फ्राई। तो ये काशी जी हैं जो कि केटरिंग का काम करते हैं और करीब 10-12 साल हो गया आपको। हाँ जी हाँ जी। और जितने भी टिबेटन क्लासिक डिशेज हैं वो सब बनाते हैं। जो हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का बर्थडे बन रहा है उसके उपलक्ष्य में काफ़ी सारे पकवान बनाए जा रहे हैं, इसमें कि एक डिश तो जो आप दिखाए हम लोग को वो बड़ा वाला क्या बोलते हैं उसको? पोस है जी। वो वेजिटेरियन है, डम्पलिंग्स है और उसके बाद फिंग बन रहा है और फिंग बन रहा है, करेला फ्राई है, करेला फ्राई है, उसके बाद आपका टिंगमो बनाएगा, टिंगमो बनाएंगे अभी और चावल बनाएगा और स्वीट राइस है, स्वीट राइस बन देसी 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 तो बन गया, देसी बन गया और प्लेन राइस बनेगा। ये कौन सा दाल है? दो मिक्स दाल है, काली दाल और मूंग का दाल, मतलब उड़द का दाल और मूंग का दाल दोनों मिक्स है। ऐसे मसाला कम रखते हैं? हाँ मसाला कम। ये टिबेटन ब्रेड है टिंगमो। हाँ जी। इसमें ये किस चीज़ से बनता है? ये हमारा जो अपना जो बसंती आटा होता है, चक्की का आटा नहीं है वो, बसंती आटा सफ़ेद आटा में होता है उससे बनता है वो। खाली क्या करते हैं, पानी उबाल के स्टीम करके पकाया जाता है, जैसे हमारा टिबेटन ब्रेड होता है वो हमारा सब्जी के साथ खा लेता है, दाल के साथ खा लेते हैं। इसमें ईस्ट भी डालते हैं? हाँ ईस्ट वगैरह डालते हैं ताकि फुल पूरा फुल जाए तो अच्छा देखे। इसमें तेल लगा रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं जो टिंगमो है। ये स्टीमर है जिसमें टिंगमो स्टीम किया जाएगा और ये 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। अभी जो ये चल रहा है, अभी जो है ये हिज होलीनेस का बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है। पूरा वर्ल्ड में जितने टिबेटियंस है, जितने बुद्धिस्ट है, सब लोग ये सेलिब्रेशन आज के दिन मनाते हैं। तो ये अभी 87 हिज होलीनेस का बर्थडे चल रहे हैं, तो ये जितने भी टिबेटियंस हो या जितने भी बुद्धिस्ट हो सब सेलिब्रेशन इस दिन मनाते हैं। तो अभी हमारे कॉलोनी में क्या चल रहा है, हमारे कॉलोनी में अभी आपने पहले देखे होंगे जो डांस का कल्चर प्रोग्राम होते हैं, बच्चों का भी हो रहे हैं, बड़े का भी है, वो भी चल रहे हैं। और एक क्या चल रहा है कि अभी अब आप ये देखें, ये हमारा वाइट जो सभी के हाथों में जो वाइट स्कार्फ रखते हैं, ये हमारे टिबेटियंस के अंदर ये वाइट स्कार्फ बहुत मान्य रखते हैं। कहीं सुख हो दुख हो कहीं भी हो ये वाइट स्कार्फ ज़रूरी होते हैं, वहाँ पर ले जाना वो ग्रीटिंग करना। और अभी जो है ही सोलनेस के फ़ोटो पे ये अपना क्या कहते हैं ब्लेजिंग का ये वो करते हैं, तो स्कार्फ इसके ऊपर लगाते हैं। तो इस स्कार्फ में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इस स्कार्फ में 5 कलर होते हैं, अलग अलग कलर, येलो रेड ब्लू
एंड ग्रीन एंड वाइट ये होते हैं, वाइट कॉमन होते हैं सभी में चलता है, न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल है वाइट ना, जो दूसरे कलर जो है वो अपने अपने त्यौहार के हिसाब से और अपने अपने महत्वक्रम के हिसाब से वो यूज़ किया जाता है। तो आज हिज होलीनेस के बर्थडे पे काफ़ी पकवान बनाए गए हैं यहाँ पे, टिबेटन स्पेशल डिशेज़ हैं, क्लासिक डिशेज़ हैं जिसमें राइस है, टिंगो है, पाउचे, फिंग है, फ्राइड करेला है, मिक्स दाल है, एमादाशी है, सैलड है और आम है। तो आइए अब इसका जायका लिया जाए। ये टिंगो को खाते हैं एमादाशी के साथ। बहुत ही उम्दा। तो यहाँ पे जो खाना बनाया गया है सर, लगभग 1500 लोगों का खाना है और ये सेलिब्रेशन 2-3 दिन तक चलता है यहाँ पे। दो दिन बहुत टेस्टी बना हुआ है एमादाशी, चीज़, प्याज, हरी मिर्चें सब मिला के। और ये जो डिश है एमादाशी, ये भूटान की नेशनल डिश है। इस कॉलोनी में सर जो लोग रहते हैं उसमें कुछ लोग तो भूटान से आके यहाँ बसे, एक गेट के अंदर एक जैसे परिवार करके रहता, पूरा फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली। आज हमने केक सेलिब्रेट किया कि जीवन हमारा जो यंगस्टर जो लोग हैं ना, वॉलेंटियर करके वो लोग अपना पैसा इकट्ठा करके वो केक लेके हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये फिंग है, ग्लास नूडल्स विथ मिक्स वेजिटेबल्स, इसमें पनीर है, बीन्स है, मशरूम है, टमाटर है, प्याज है। वाह, इसके अंदर सोयाबीन है। अच्छा, सोयाबीन है, बंद गोभी है। मिक्स दाल और राइस, वाह बिल्कुल माइल्ड है, टिबेटन फूड में मसाला कम होता है। तो आप लोग के घर पे क्या नॉर्मली बनता है ऐसे? नॉर्मली वैसे जो अपना इंडियन डिशेस है, दाल रोटी चावल तो है ही है, इसके बाद कभी कभी फिर मोमोज बनते हैं, थुक्पा बनते हैं, शाम के टाइम थिंटूस बनते हैं, आटे का छोटा छोटा पीस करके थुक्पा बनाते हैं। ये फ्राइड करेला है, क्रंची, तो सर आपका यहाँ पे देहरादून में 3 प्रोमिनेंट टिबेटन सेटलमेंट कॉलोनीज है, डेकलिंग, राजपुर, क्लेमेंट टाउन, तीन। और ऐसा भी होता है कि आप लोग उस कॉलोनी वाले यहाँ आते हैं, यहाँ कॉलोनी वहाँ जाते हैं, मिक्सअप लेते हैं? आज के डेट में है ना, सब अपने अपने जहाँ पे कॉलोनी है अपने अपने जगह पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं 2 दिन पूरा, वैसे आते जाते हैं यहाँ पे, कभी यहाँ आते हैं कभी वहाँ जाते हैं, फिर जैसे अच्छा मिल गुल है सब पे। लेकिन सेलिब्रेशन सबका अपना अलग अलग होता है। सेलिब्रेशन ज़्यादातर मजे बर्थडे इस टाइम में ऑल ओवर इंडिया में अपने अंदर कॉलोनी में मनाए। मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, इतना अच्छा लगा, इतना वेलकमिंग और फ्रेंडली लोग हैं सब यहाँ पे, और लगता है मुझे पूरे इस कॉलोनी में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो एक तरह से कहें तो बाहर से आया हूँ, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर से हूँ, इतना वेलकमिंग सब लोग यहाँ पे हैं। सुबह 6:30 बजे आया वहाँ, प्रेयर्स पे बैठा साथ में, हाँ अच्छा, और उसके बाद फिर पूरे दिन सेलिब्रेशंस का हिस्सा बने, बहुत मज़ा आया और काफ़ी चीज़ मतलब सीखने को मिलता है इन जगहों पे आके, जिसमें कि सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो है कम्युनिटी बॉन्डिंग की, कि कैसे समाज में लोग एकजुट होकर मिल के रहते हैं, है ना। तो कहा जाए तो एक तरह से ये जो सेलिब्रेशन है वो एकता का प्रतीक है, यूनिटी का प्रतीक है। और सर ऐसा होता है कि हर साल कुछ ना कुछ कोई स्पेशल मैसेज होता है दलाई लामा जी की तरफ से, तो इस साल भी ऐसा कुछ है कोई मैसेज? मैसेज तो है हर साल मैसेज है कि सब मतलब मिलजुल के रहो, ठीक है जी, किसी को बुरा मत बोलो, मतलब
सब मिल के एकता करके रहो। मेरे को दलाई लामा बर्थडे का गिफ्ट, मेरे को जो गुरु जी ने जो संदेश दिया वो मानो, अच्छा संदेश देता ना गुरु जी। जी जी, हमने धूमधाम से बर्थडे मनाया, जो बोला वो नहीं मानेगा तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा ना। His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet, जब ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें आता है कॉम्पैशन, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, कॉन्टेंटमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन। उनका ये भी कहना है कि एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल द सेम। और मुझे लगता है कि आज के युग में हमें इन वैल्यूज़ को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ His Holiness दलाई लामा जी को उनके 87th बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।